खबर भोपाल से, जहां सपाक्स ने पार्टी के पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया है। गांधी जयंती के मौके पर 13 पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया। डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सपाक्स ने किया। हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि समाज तय करेगा प्रत्याशियों के नाम, आरक्षण का विरोध, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी पार्टी। तो बड़ी खबर, सपाक्स ने पार्टी के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। बता दें कि 13 पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है सपाक्स की तरफ से। लगातार जन नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नाराजगी यहां पर साफ तौर से प्रदेश सरकार से दिखाई गई, लेकिन इसके बाद अब चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, 13 पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष मंगल सोनी जुड़ गए। आशीष, कैसे देखा जाए, ये बात पहले ही कह दी गई थी कि सभी 230 विधानसभा सीटों पर सपाक्स चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये कितनी टक्कर देगा आने वाले विधानसभा चुनावों में? लेकिन आज दिन सपाक्स संगठन जो था वो लंबे अरसे से ऐलान कर रहा था कि सपाक्स समाज पार्टी बनेगी और उसके आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। आज गांधी जयंती के मौके पर सपाक्स समाज ने सपाक्स पार्टी का ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा 13 पदाधिकारियों के नाम भी का भी ऐलान किया गया है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी हैं, 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट में सुधार, आरक्षण का विरोध और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सपाक्स मैदान में जाएगा और प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मुद्दे स्थानीय स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समाज तय करेगा कि सपाक्स के बैनर तले किसको चुनाव लड़ना है। कुल मिलाकर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सपाक्स के द्वारा 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने से राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। वोटों का प्रतिशत कम होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टी सवर्ण समाज और सपाक्स को साधने में जुटी हुई है। नाज़रीन, शुक्रिया जानकारी के लिए।